तेरो वदन तोच सवारो वलते
पोछ सवारू अल में तेरे कांधी काल बनो ओ लाला तो है कांधी काल बनो लाला आजा ओ लाला तेरे माथे तिलक तिलक करूं गोरोजन तेरे होते केसर खौर लगाऊं ओ लाला तोहे केसर खौर लगाऊं पचरंगी कलगी जीरा सिर पचरंगी कलगी जीरा सिर पेच रतन को धराऊं बागो लाल जड़ाऊं भूषण तेरे हर एक अंग सजाऊं तेरे हर एक अंग सजाऊं गल में मुकुट माल मन मारा लाला तोहे फूल हार पहना ललित लड़ैती अद्भुत छवि लग ललित लड़ैती अद्भुत छवि लग अपने भाग सिरों अरे लाला तेरो श्रृंगार कराऊं अरे लाला तेरो श्रृंगार कराऊं बाल
वही बात आवी आवी वे तन्हाई तेरी याद आ रही। क्या क्या याद आया तेरी हर एक अदा। वो भौरे जगन झुकन अलसान, वो लटपट चमरान के बाल रूप में कन्हैया सो रहे, पीली धोती पहनी हुई, कटी कांच में कसी हुई, मुरली बगल में ही रखी हुई, घुंघरावली अलकावलियां उनके मुख मंडल पर सुशोभित हो रही, मैया उठा रही है, बड़ी ही मधुरता से अंगड़ाई लेते हुए नैना आलस में भरे हुए। वो भौरे जगन झुकन अलसावन, वो लटपट चाल मरा, वो लटपट चाल मरा। वो लटपट चाल मरा, वो पलकन झूमन, वो पलकन झूमन बदन सुहावन। बड़ी धीरे से अपने पलकों को मोदना, वो पलकन झूमन बदन सुहावन, वो भावन वचन रसाल के, वो भावन वचन रसाल के। वो हसन दसन द्युति दामिनी दमकन, वो माधुरी मुस्कान दसन यानी दांत, ये नील इंदिवर नील कलेवर नील मणि की, जैसे नील गगन के ऊपर उनकी घुंघरावली अलकावलियों की काली घटाएं छा गई हो, जब सरकार जरा सा अपने लटों को इधर करते हैं, उनके दूध के दो दांत जैसे बिजली सी कौंद गई हो। वो हसन दसन द्युति दामिनी दमकन, वो छिटकन अलकन जल के, वो छिटकन अलकन जल के। वो मुकुट की लसकन, वो लसकन मुकुट हलन नक बेसर, आई जो उनकी याद तो आती चली गई, हर नक्श माशवा को मिटाती चली गई, आई जो उनकी याद तो आती चली गई। प्यारे वो लसकन मुकुट हलन नक बेसन, वो कंठ कमल दल माल के, तेरे एक एक अंग विन्यास मेरे मानस पटल पर उभरित होकर मुझे झकझोर दे रहा। वो लसकन मुकुट हलन नक बेसर, वो कंठ कमल दल मान के, वो कंठ कमल दल मान के, वो ठुमक ठुमक कर आंगन च
चलनी वो ठुमक ठुमक कर आंगन चलनी वो आंगन चलनी रेणु तन मंडन वो तेरा नंगे पांव से आंगन में चलना धूल में ही लेट जाना रेणु तन मंडन वो ब्रिज रिच को अपने ही शरीर पे लगाते रहना धूल थूसरित तन मानो नील गगन के ऊपर कोई आवरण आ गया हो वो आंगन चलन रेणु तन मंडन वो मीड़न द्रिगन विशाल वो मीड़न द्रिगन विशाल वो तोतली बोली वो तोतली बोली चरण नुपुर ध्वनि वो तोतली बोली वो चरण नुपुर ध्वनि वो श्रवणन कुंडल छल के वो श्रवणन कुंडल छल के मैं बलि बलि जाऊं मैं बलि बलि जाऊं ललित लड़ैती सो त्रिभुवन पति वो तो लाला श्याम अधीन ब्रिज बाल के मैं बलि बलि जाऊं मैं बलि बलि जाऊं काल Oh,
खात बाबा संग कछ खात बाबा संग बैठ लला वाह वाह। नंद बाबा भोजन कर रहे हैं, कन्हैया आते हैं, वहीं उनके पास बैठ जाते हैं। बालकों की आदत होती है नकल करने की, जितनी बड़ी ग्रास जितनी बड़ी गस्सी बाबा तोड़ते हैं, कन्हैया भी उतनी ही बड़ी गस्सी तोड़ते हैं, लेकिन मुख तो बाबा जितना बड़ा नहीं। जैसे मुख में वो ग्रास डालते हैं, मुंह में तो कम जाता है लेकिन उससे कहीं ज्यादा बाहर निकल जाता है। उनके शरीर पे गिरता है यशोदा रानी, ये देख देख कर पुलकित होती है। बड़े लोग वैसे भी जायके दार थोड़ा मिर्च मसाले वाला कर भोजन पसंद करते हैं, लेकिन बालकों को वो रुचता नहीं, उन्हें मिर्च लगती है। परिणाम स्वरूप उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। तब मैया रोहिणी उन्हें नवनीत मक्खन खिलाकर उनकी जो मिर्च लगने की क्रिया को कम करती है। कछु खात बाबा संग बैठ लला तुक लेत बड़ा मुख नावत है वाह। तुक लेत बड़ा मुख नावत है जब मिर्च लगे अकुलाए भजे, जब मिर्च लगे अकुलाए भजे असुआदो त्रिगन बहावत है, असुआदो त्रिगन बहावत है तब दे मधुरो कछु रोहिणी जू, नवनीत सोतीत मिटावत है, नवनीत सोतीत मिटावत है बलबीर जुमोहन सोहन के, बलबीर जुमोहन सोहन के ये ख्याल नए नित भावत है, ये ख्याल नए नित भावत है पल्म पल्म। कन्हैया बड़े हुए वन में खेलने के लिए जिद करने लगे। यशोदा मैया समझाती है, देख लाला अभी तेरी उम्र इतनी बड़ी ना भाई कि तू वनन में खेलन को जाएगो। कन्हैया हट करते हैं और अक्सर आजकल भी बच्चे से कोई काम ना करवाना हो तो उनके मन के अंदर
एक काल्पनिक भय का संचार किया जाता है कि देख तू वहां जाएगा तो वहां भूत है, प्रेत है या और कुछ जो भी है, ताकि बच्चा ऐसा कुछ ना करे। माता यशोदा भी समझाती है, अरे लाला तू मन में खेल बेकू जाएगा, देख वहां तो हाऊ आवे है हाऊ, और इकले दुकले छोरान को देख कर वहां के कान काट ले वो हाऊ, तेरे कान कट जाएगा तो तू कैसो लगेगो लाला। अच्छा मैया वन में हाऊ आवे, ये सुनते ही लाल जी यशोदा मैया के आंचल में जाकर लिपट जाते हैं। वन खेलन अब वन खेलन मत जाओ लला, अब वन खेलन मत जाओ लला, वन हाऊ सुने हम आवत है, वन हाऊ सुने हम आवत है, इकले दुकले लड़कान को देखी वो तो झटकान कटावत है, वो तो झटकान कटावत है, झट आंचल में जा छिपे नंदलाल, झट आंचल में जा छिपे नंदलाल, और दाऊ को तेरी बुलावत है, बलबीर जु मोहन सोहन के ये ख्याल नए नित भावत है, ख्याल नए नित भावत है, ये ख्याल नए नित भावत है, गोविंद वो नील इंदिवर नील कलेवर नील मन नील सुंदर अति अद्भुत कांति कलेवर की, कहीं केसर तो कहीं कर्दम काला, कहीं केसर तो कहीं कर्दम काला, उज्ज्वल एक कपोल पे है, कभी उज्ज्वल एक कपोल पे है, तो कपोल है दूसरा कज्जल वाला, तो कपोल है दूसरा कज्जल वाला, बिखरे हुए कुंतल काली घटा, बिखरे हुए कुंतल काली घटा, कुंतल बालों को बोलते हैं, वही जैसे नील गगन के ऊपर उनकी घंघरावली अलकावलियों की काली घटाएं छा गई हैं, जब झटका दे देते हैं बीच में दूध के दो दांत जैसे बिजली सी कौंध गई हो, बिखरे हुए कुंतल काली घटा, लघु दंत में दामिनी सा उजियाला, लघु दंत में दामिनी सा उजियाला, ये बाल स्वरूप, ये बाल स्वरूप अनुकुलिए, मेरे बसो नित नंद के लाला, मन मेरे बसो नित नंद के लाला, ये बाल स्वरूप अनुकुलिए,
अमृत नंद के लाला। उनकी घुंघरावली अलकावलियों जो उनके मुखमंडल पर फहरा रही है, देखकर एक प्रेमी हृदय पूछ देता है, प्यारे हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, और ये बालों ने कौन सी तपस्या की है, कौन सी साधना की है, कौन सा वरदान प्राप्त कर लिया है कि तुम्हारे मुंह पर छाककर तुम्हारे कपोलों का चुंबन करते रहते हैं, तुम्हें आलिंगन तुम्हारा आलिंगन करके अगाध रस प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी कौन सी साधना उपासना की है इन्होंने, कौन सी तपस्या की है, जानना तो चाहते हैं ये, लेकिन जब जोर नहीं चलता, बात नहीं बनती, तो बालों को थोड़ा छेड़ भी देते हैं। ये बड़े गुस्ताख हैं जो झुककर तेरा मुंह चूम लेते हैं, बड़े गुस्ताख हैं जो झुककर तेरा मुंह चूम लेते हैं। बहुत सा जालिम इन गेसुओं को तूने सर पे चढ़ाया है। प्यारे इन बालों की साधना उपासना तो हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जरूरत कैसे हुई कि हम तो तेरे दर्शनों को भी तरसते रहे और ये तुम्हारे कपोलों का आलिंगन करे, बात क्या है। येसु बोलते हैं बालों को, तो बाल भी जरा इठलाकर मुस्कुराकर कहते हैं, हम ये जरूरत क्यों ना करें, हम इस प्रकार की कोई भी क्रिया क्यों ना करें, क्यों, क्या हमने तपस्या की वरदान प्राप्त किया ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन सांवरी सरकार ने ही कृपा करके हमें अपने सर के ऊपर चढ़ा लिया है, और जिसे कृष्ण ही अपने सर पे चढ़ा ले वो इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता। बड़े गुस्ताख हैं जो झुककर तेरा मुंह चूम लेते हैं, बहुत सा जालिम इन गेसुओं को तूने सर पे चढ़ाया। Hey.